2 किलोमीटर लंबा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा है। क्या बताया मैंने कि जब भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो कहानी को पढ़ो और उससे अच्छे से खपला धोखा बहुत परेशानियां होती सर। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन, मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य, और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 2 से लिए गए पार्टनरशिप रिलेटेड ये सवाल में जो अनिल भाई, बॉबी भाई और चिंटू भाई के बीच में है। तो सर इसमें खास क्या छुपा रखा है हमने? देखो पार्टनरशिप में क्या होता है पता है तुम्हें? घपला धोखा बहुत परेशानियां होती सर बहुत ज्यादा। ठीक है तो ये उसी की कहानी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अनिल, बॉबी और चिंटू भाई पार्टनरशिप में क्या मचा रहे हैं। तो ये 2 किलोमीटर लंबा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इसको कृपया यहीं पॉज करिए और इसको उठा करके अटेम्प्ट मारिए एक बार, और फिर आगे छुपा के रखा है इसका सॉल्यूशन हमने। तो चलिए सर। अंशु। यस सर। पहले ये बताओ ये क्वेश्चन की लेंथ क्या है, 3 लाइन से ज्यादा है या 3 लाइन से कम है? ज्यादा है सर। तो 3 लाइन से ज्यादा वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहिए? इसको मतलब वापस आएंगे वाला क्वेश्चन है सर। yes. मैं तो सर कोई भी ऐसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन को छोड़ता नहीं हूँ, बट इसमें घोड़ागिरी होने के बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं, काफी सारे परसेंटेज नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट राउंड में पतली गली, सेकंड राउंड में वापस आएंगे, बट फिर अभी इसको तो सॉल्व करना ही है ना सर हम। तो पढ़ा जाए, अनिल, बॉबी एंड चिंटू जॉइंटली इन्वेस्ट इन अ बिजनेस एंड अग्री टू शेयर द ओवरऑल प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इट मींस व्हाट? जितने जितना पैसा लगाया वो उतना उतना प्रॉफिट खाएगा। बिल्कुल सही सही जवाब। अनिल्स शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70, वो भाई मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है अनिल भाई अपना। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस बाय 420 रुपीज इफ द ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 18% टू 15%। क्या बोल रही? सो क्या बताया मैंने कि जब भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो कहानी को पढ़ो और उससे अच्छे से लिख दो। दैट्स राइट। सॉरी सर, लिखना चाहिए था, इसको लिख ही देते सर। तो कहानी से देयर आर 3% ए बी एंड सी, और यहाँ पे दो चीज क्या है इम्पोर्टेंट सर, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा प्रॉफिट का शेयर। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, इसका रेशो क्या होगा? एग्जैक्ट सेम होगा। सो कैनी से यहाँ पे ए का जो है वो 70% है। जी सर। तो इन्वेस्टमेंट का 70% है, तो इट मींस उसको प्रॉफिट का भी कितना 70% मिलेगा सर। बिल्कुल। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस बाय 420 इफ द ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 18% टू 15%। यस सर। तो अगर उसको पहला ओवरऑल प्रॉफिट 18% था, फिर नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट कितना हुआ? 15% हुआ। इसके कारण जो इसका डिक्रीज हो जाता है प्रॉफिट, वो कितने का है? 420 रुपीज का। सो कैसे इक्वेशन लिखोगे? सर अगर मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड था एक्स अमाउंट, हाँ, और मुझे प्रॉफिट मिल गया 18% का, तो मेरा जो फाइनल अमाउंट होगा 18% ऑफ एक्स, ये टोटल प्रॉफिट हुआ। yes. और इसमें ए का प्रॉफिट कितना है? 70% ऑफ 18%, तो इनटू 70% कर दूं मैं। यस सर। और सेकंड केस में प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 15%, तो 15% ऑफ एक्स कर दूं। यस सर। और इसका कितना है? 70%। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 420। और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यस सर। सर ये तो बहुत आसान हो गया, 70% इंटू एक्स बाहर आ गया, ओके, और ब्रैकेट में बचा 18% माइनस 15% विच इज 3% प्रॉफिट, एंड दिस इज 420। यस सर। सो एक्स क्या आएगा? 70/100 इंटू एक्स इंटू 3/100 इक्वल टू 420। सो इससे एक्स आ गया 20,000। यस सर। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 20,000, और उसमें ए का कंट्रीब्यूशन 70% है, तो 14,000 ए का हो गया। बिल्कुल सही, 14K। यस सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अरे हाँ, क्वेश्चन तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। चिंटूज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 80 रुपीज इफ ओवरऑल प्रॉफिट गोज अप फ्रॉम 15% टू 17%। तो सर ये भी ऐसी बना लेते हैं जैसे था। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ नीचे। सो अब शुरू करते हैं। सो 15 से 17% पहले प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं। तो सर यहाँ तो एक ही समस्या आ गई है, जैसे अपने को ए का 70% पता था वैसे सी का पता नहीं, तो क्या मान लेते हैं वाई परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सी का था। ठीक है, वाई परसेंट ले लिया। ठीक है, तो प्रॉफिट में भी इन्वेस्टमेंट के बराबर का ही प्रॉफिट भी बटेगा, तो क्यों ना मैं इससे प्रॉफिट निकाल लूं, जबकि 17% प्रॉफिट आया उसका, तो कितना प्रॉफिट कमाया है? तो टोटल प्रॉफिट 17% ऑफ 20,000। यस। और इसमें सी का कितना प्रॉफिट होगा? वाई परसेंट। सो इंटू वाई परसेंट। ठीक है। यस। माइनस 15% था पहले। यस सर। तो टोटल प्रॉफिट 15% ऑफ 20,000। यस सर। और इस
इसमें सी का कितना परसेंट वाई परसेंट वाई एंड दैट वैल्यू इट इज इक्वल टू 80 रुपीज सर 80 रुपीज तो इससे वाई का वैल्यू निकल जाएगा ना क्या आ जाएगा वाई बाई 100 यस सर इंटू 17 माइनस 15 इज 2% 2% 2/100 यस सर एंड इंटू 20,000 परफेक्ट इज इक्वल टू 80 रुपीज तो सर इसको सॉल्व करके वाई की वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी वाई की वैल्यू सर वाई की वैल्यू 20 आ रही है सर 20% सो सी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 20% सर 20% तो इसका मतलब बी का इन्वेस्टमेंट 10% था सर बिल्कुल सही तो आंसर आ गया सर क्या 20,000 टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में अगर 10% बी का कंट्रीब्यूशन था हाँ? तो 20,000 का 10% इज 2,000 बहुत बढ़िया दैट इज द क्वेश्चन ना व्हाट इज द अमाउंट इन INR इन्वेस्टेड बाय बॉबी 10% ऑफ 20,000 शाबाश बेटा तो देखा पार्टनरशिप में कितने ट्विस्ट आते हैं अनिल बॉबी और चिंटू के बीच में देखो यार इस तरह के क्वेश्चन दिखने बहुत आसान लगते हैं लगता है कि भाई इसको तो अपन बना ही लेंगे लेकिन जब आप लिखने जाते हो ना तो आपके दिमाग की ना जलेबी बन जाती है इसीलिए क्या कहते हैं कि अर्थमेटिक में कहानी समझो उसको अच्छे से लिखना भी सीखो यस अगर आपने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया नीट एंड क्लीन वे में तो आप ये बना लोगे वरना गारंटी देता हूं कि आप इसमें सिली मिस्टेक कर दोगे इसीलिए कहते हैं कि एक नोटबुक संवेग के नाम बना लीजिए और आसान है हो जाएगा नहीं होगा तो बनाते रहेंगे टाटा एडियोस बाय बाय जय हिंद गाइस म्यूजिक